बार बुला सरकार दे बुए थे, एक बार बुला सरकार दे बुए थे। फिर जान निकल जावे, फिर जान निकल जावे सरकार दे बुए थे। अल्लाह दे महबूब दे शहर विच आण वाले हो, मदीने दी अजमत भी दिल दे अंदर रखे हो। कुरान करीम दा ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन्नबी। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, मेरे नबी दे सामने अपनी आवाज़ा बुलंद ना करया जाए, तुहाडी आवाज़ नबी दी आवाज़ तो बुलंद ना होवे। कजा भरी बाजी कौम, अल्लाह फरमाते नहीं जिवें तुसी एक दूसरे नाल गुफ्तगु करदे हो, इहदी गुफ्तगु ना होवे, अदब वाली गुफ्तगु होवे। मौलाना शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मुआरिफुल कुरान के अंदर लिखते ने, फरमाते नहीं कि जड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर नबी की महफिल आया, अल्लाह ने अदब सिखाया, उच्चा नहीं बोलना, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिदे नाल मेरे पैगंबर का जो है अदब फौत हो जाए। अज का अदब ये वे कि जड़ा बंदा मेरे पैगंबर के रोजे ते चला जाए, उत्थे जाके भी उच्ची ना बोले, उत्थे दरमियानी आवाज़ दे नाल धीमी आवाज़ दे नाल मेरे पैगंबर की रोज़ा कदस ते जाके मेरे पैगंबर नू सला तो सलाम पेश करे। उच्ची बोलना अज भी पैगंबर दे रोज़े ते बेद भी दे अंदर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ने कि उच्ची आवाज़ा नहीं करनियाँ, मेरे पैगंबर का अदब पूरा पूरा करना है। ते मैं अर्ज़ कर रहा सा, एक बार बुला मौला सरकार दे बुए ते, फिर जान निकल जावे सरकार दे बुए ते। अल्लाह ने फरमाया हो जाए अमल जासिन, अल्लाह ने फरमाया हो जाए अमल जासिन, कोई उच्ची न दम मारे, कोई उच्ची न दम आवे मेरे यार दे बुए ते। मेरे पैगंबर दा शहर दा अदब बड़ा जरूरी है। एक बजुर्ग मदीने दे अंदर गए, उत्थे खाना खाण वास्ते किसे होटल ते गए, उतों खाने दे नाल दही भी खरीद लिया, दही खाण लगे, दही जरा खट्टा लग्या, उन्हां दी जुबान दे जायके नाल उन्हूं जो मैच ना होया, जुबान दे जायके नूं चंगा ना लग्या, इस वास्ते कहण लगे ओ भाई ये तां मदीने दी दही बड़ी खट्टी है, साढ़े घर की दही बड़ी मिठी होंदी है, ये दही बड़ी खट्टी लग रही है, साढ़े घर की देहात की दही बड़ी लजीज होंदी है, बड़ी मज़ेदार होंदी है। रात को बिस्तर ते आराम फरमा हुए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब के अंदर आए और फरमाया, अच्छा उत्तों साढ़े नाल मुहब्बत के दावे करना है, साढ़े नाल इश्क के दावे करना है, साडे शहर के अंदर आके ये शिकवे भी करना है कि नबी दे शहर की दही बड़ी खट्टी है, नबी दे शहर की दही मैनू चंगी नहीं लगती। सवेर हुई बड़े परेशान हुए, उलामा दे नाल रबता किया, अल्लाह वाले ने फरमाया अगर अपने ईमान की सलामती चाहना है तो इस मदीने नू छड़ के घर वाल चला जा। अर्ज़ करन दा मकसद ये है कि नबी दे शहर का अदब भी बड़ा, नबी दे शहर दे अंदर जाके अदब इहतराम बढ़ाए, दरूद पाक ज्यादा तो ज्यादा पढ़िया जाए, मेरे पैगंबर दे शहर दे अदब नू सामने रखिया जाए। हदीस सुना के गल खत्म करा, मेरा कारी सलातो सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मदीने वालियां नू डराउंदा है वो इंज जिवें मैनू डरा रहा है,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دے اندر جا کے کسے نال زیادتی نہیں کرنی، کسے نو جڑا مارنا نہیں، کسے دے نال کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعائے اللہ پاک مینو توانو مدینے لے جاوے، مدینے دا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آخر چینج کہوں گا، لے چل کدی خدا یا سرکار دے روزے تے، لے چل کدی خدا یا سرکار دے روزے تے، تیرا رحمتاں لایا سرکار دے روزے تے، آقا دا روزہ ویکھاں کردا رواں نظارا، آقا دا روزہ ویکھاں کردا رواں نظارا، واپس بلان لوکی آواں نہ پھر دوبارا، واپس بلان لوکی آواں نہ پھر دوبارا، مینوں موت وے خدایا